आज का रात्रि क्लास है 20 मार्च 1968। त्रम ब्राह्मण बच्चों बगैर बाकी है शूद्र। क्यों? या तो ब्राह्मण है या तो शूद्र है, वैसे क्षत्रिय कोई नहीं रहे। या तो एकदम नीचे है या तो एकदम ऊपर। 20 वाले गायब क्यों कर दिए? क्योंकि कलयुग अंत में होते हैं या तो सब शूद्र, और जो संगम में है वो हुए ब्राह्मण। उन शूद्रों को ये पता ही नहीं है कि संगम युग कब होता है। इस कल्प के संगम युग की बहुत महिमा है। बाप ही आकर के राजयोग सिखाते हैं, ऐसे नहीं कि बाप ब्रह्मा के तन में आकर चले जाते हैं और राजयोग तुम अपने आप सीखते रहते हो। और बाप सिखलाते ही हैं सतयुग के लिए। तो सतयुग और कलयुग के बीच में संगम जरूर चाहिए। संगम पर ही आवेंगे। सतयुग बनाने के लिए आते हैं। हैं तो ये सभी मनुष्य। उनमें कोई कनिष्ठ है, कोई उत्तम है। उत्तम के आगे महिमा गाते हैं, आप पुरुषोत्तम हो, हम कनिष्ठ हैं। आप ही बताते हैं मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। बाकी ऐसे नहीं कहते हैं हम बंदर हूं। भले एक दो को जानवर भी कहते हैं, परंतु यह नहीं कहते हैं हम बंदर हूं। क्यों है? बंदर कहने से क्या होगा? बंदर कहने से राम की सेना साबित हो जाएगी? मकना हाथी भी कह देते हैं। हाथी भी बुद्ध हो, इतने बड़े बड़े कान, उसको भी बुद्धू बता दिए। क्यों? देवान में झूमता रहता है। बुद्धू है हाथी जैसे भैंस। भैंस झूमती नहीं है, झूमती तो नहीं है। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग तुम ब्राह्मणों के बगैर कोई नहीं जानता। दुनिया में वो भी ब्राह्मण है, अपन को ब्राह्मण कहलाते हैं,
और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी ब्राह्मण हैं, वो भी अपन को ब्राह्मण कहलाते हैं, परंतु पुरुषोत्तम संगम युग का उन ब्राह्मणों को पता नहीं है और तुमको क्यों? क्योंकि पुरुषों में उत्तम बनने वाले कौन कौन नंबरवार हैं इस पर तुम ही विचार करते हो, तुम ही जानते हो कि पुरुषोत्तम कौन कौन बनने वाले हैं। उनकी कैसे एडवर्टाइजमेंट करें? किनकी? पुरुषोत्तम बनने वालों की, जो मनुष्यों को पता पड़ जाए कि ये हैं जन्म जन्मांतर के पुरुषोत्तम, जिनको हर धर्म में हर मनुष्य आत्मा माला के संगठन के रूप में नंबरवार स्मरण करती है। हर धर्म में माला घुमाते हैं ना, वो माला किसकी यादगार है? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले तुम ब्राह्मण बच्चों की यादगार है। और संगम पर ही भगवान आकर के राजयोग सिखलाते हैं। और कोई युग में सिखलाते भी नहीं है। अभी ऐसी क्या युक्ति रचे जो मनुष्यों को पता पड़ जाए, परंतु होगा तो धीरे धीरे, अभी समय पड़ा है इस बात में। पुरुषोत्तम जो नंबर बार बनने वाले हैं उनको प्रत्यक्ष होने में टाइम पड़ा है। क्यों? कब की बात? 68 की बात बताई। अच्छा, उस समय पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष नहीं हुए थे? कृष्ण वाली जो आत्मा है वो पुरुषों में उत्तम नहीं है, ब्राह्मणों को पता नहीं लग गया था कि कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा उत्तम आत्मा है। पुरुषों में उत्तम है ये नहीं पता लग गया था। क्यों? पता तो लग गया था, अभी भी मानते हैं, है? पता अपन को लग जाए, जिसको खुद पता लग जाएगा वो दूसरों को भी बुद्धि में बिठाए सकेगा। खुद को ही पता नहीं होगा तो दूसरों को भी बुद्धि में नहीं बिठाए सकता। और पुरुषोत्तम होने वाला होगा तो पहले खुद को पहचानेगा या उसे दूसरे लोग पहले पहचानेंगे? वो पहले खुद को पहचानेगा। प्रूफ और प्रमाण सहित खुद को पहचानेगा और उतना ही ज्यादा निश्चय बुद्धि बनेगा। दूसरों को बताने की बात भी नहीं, परंतु उसकी चलन से, दृष्टि से, वृत्ति से, पाठ से लोगों को पता जरूर पड़ता जाएगा। जो कनेक्शन में आवेंगे उनको कि ये पुरुषोत्तम है। ब्रह्मा की सोल
अपने बारे में ही निश्चय बुद्धि बनकर नहीं रह सकी। कैसे कहें? हाँ, हार्ट फेल हो गया, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। निश्चय बुद्धि तो विजय से होना चाहिए। निश्चय बुद्धि कभी हार मानने वाला नहीं होता। तो बोला अभी समय पड़ा है, धीरे धीरे होगा। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। इस बात में है नंबरवार उत्तम से उत्तम पुरुष बनने वाली आत्माओं के प्रत्यक्षता होने का टाइम थोड़ा रहा। कितना थोड़ा रहा? 68वें वाणी बोली तो कितना थोड़ा रहा? 7-8 वर्ष। हम कहते तो मनुष्य जल्दी पुरुषार्थ करे, नहीं तो कहेंगे सेकंड में ज्ञान मिलता है। तब वो सेकंड जब आएगा तब हम पुरुषार्थ कर लेंगे। जीवन मुक्ति पाए लेंगे। हरेक को अपना अपना सेकंड नुधात हुआ है। इस बात के लिए है पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम जो घड़ी है नंबरवार हरेक आत्मा की, वो सेकंड हरेक के लिए नुधात है ड्रामा में। तो कहेंगे हम उस समय जीवन मुक्ति पा लेंगे जब हमारा सेकंड आवेगा। तुम तो जानते हो आधा कल्प के पाप सिर पर है। जो आधा कल्प के पाप सिर पर है वो जब तक भस्म न हो जाए तब तक वो सेकंड आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। सेकंड में पाप थोड़े ही कटते हैं, उसके लिए तो तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या अर्थात आत्म की स्थिति, और तीव्र तपस्या माने बाप की भी याद हो, उसमें टाइम लग जाता है। मनुष्य समझते हैं अभी 9 वर्ष पड़े हैं, तुम नहीं समझते। मनुष्यों के लिए बोला, कौन से सन की बात? 68 की बात कि मनुष्य समझते हैं अभी 9 वर्ष पड़े हैं। अच्छा, जो ब्राह्मण बच्चे थे बाबा की दृष्टि में वो नहीं समझते थे कि 9 वर्ष पड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी दृष्टि में 9 वर्ष पड़े हैं उन्होंने ये पक्का कर लिया कि बहुत लंबा टाइम पड़ा हुआ है, धीरे धीरे पुरुषार्थ कर ही लेंगे। अभी हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास क्यों जावे जब 9 वर्ष पड़े हुए हैं नई दुनिया आने में और पुरानी दुनिया को विनाश होने में। तो देखो लिटरेचर से कोई उल्टा भी उठाई लेते हैं,
लिटरेचर्स पढ़ने से या सुनने से पूरी बात समझ में नहीं आती है तो क्या करना चाहिए है? इस ज्ञान को रूबरू समझाना चाहिए तब ब्राह्मण बनेंगे। तुम समझते हो ये पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है, है? अड़सठ में पुरुषोत्तम बनने का संगम युग कहेंगे है? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे है? क्योंकि पुरुषों में उत्तम ते उत्तम पार्टधारी हीरो पार्टधारी उस समय कोई को प्रूफ और प्रमाण सहित प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ था। फिर क्यों बाबा ने कह दिया? मुरली में तो बाबा ने बोल दिया ना। क्या बोला है? तुम समझते हो ये पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। साधारण संगम युग तो होते ही रहे। सत्युग त्रेता का भी संगम कहेंगे, त्रेता द्वापर का भी संगम कहेंगे, द्वापर कलयुग का भी संगम कहेंगे, लेकिन ये पुरुषोत्तम संगम युग है पुरुषोत्तम बनने के लिए। ये हीरे जैसा युग है। तो जब युग ही हीरे जैसा है तो हीरा तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिर हीरो पार्टधारी आत्मा को बाबा ने अपने सन्मुख इमर्ज किया। गाते भी हैं गोल्डन जैसा सिल्वर जैसा, गोल्डन एज सिल्वर एज कॉपर एज आयरन एज गाते तो है ना। ये किसका गायन है? एज है तो उसे एज की अनुभूति भी तो होती होगी, नहीं होती होगी? होती होगी। तो ये किसका गायन है? हैं? हीरो पार्टधारी के पार्ट का गायन है। गाते हैं स्वर्णलिंग, पूजन भी करते हैं, रजत लिंग कॉपर लिंग और आयरन का भी बनाते हैं, पत्थर का भी बनाते हैं, परंतु ये युग है डायमंड एज। क्या हीरे समान जीवन अर्थात हीरो पार्टधारी बनाने का संगम युग है। हीरों का युग है। सतयुग है गोल्डन एज। उसको डायमंड युग नहीं कहेंगे। ये तुम जानते हो।
कि स्वर्ग से भी ये संगम युग अच्छा है। कैसे हा? सोने को कोई चाटेगा तो ताकत आ जाएगी, आएगी कि नहीं? स्वर्ण भस्म बनाते हैं ना, स्वर्ण भस्म खाते भी हैं तो ताकत आती है ना। अगर हीरे को चाट लें तो क्या होता है, हैं? मर जाएगा। तो ये तो बहुत खतरनाक बात है। क्यों खतरनाक बात है कि अच्छी बात है? हाँ, हीरे को चाटना, परंतु ये हीरा कोई जड़ हीरा थोड़े ही है। जड़त्व बुद्धि वाला हीरा है क्या? जड़ हीरे की बात है या चैतन्य हीरे की बात है? ये तो चैतन्य हीरा है। चैतन्य हीरा अगर कोई इसे हप कर ले तो क्या रिजल्ट होगा? जीते जी मरेगा। और ये मरना अच्छी बात है खराब बात है? जीते जी मरना तो अच्छी बात है। देव हंस से मर जाए तो और क्या चाहिए? आत्म की स्थिति में सदा काल की ये टिक जाएगा। तो सतयुग है गोल्डन एज और संगम युग है डायमंड एज। तो तुम जानते हो स्वर्ग से ये संगम अच्छा है। हीरे जैसा जन्मामोलक ये गायन है ना, अमोल जन्म है। क्या गायन है? अमोलक, अमोल माने जिसका कोई मूल्य नहीं है। क्या गायन है? अरे क्या गायन है अमोलक? हीरे जैसा जन्म अमोलक। और कौन कहां हीरा, हीरा का कोई गायन करता है ऐसा? नहीं करता। अरे सब भूल गए? हाँ? अरे आज भी म्यूजियम में रखा हुआ है कोहिनूर हीरा। आज तक उसकी कोई कीमत नहीं आए ना आंक सका, परंतु वो विदेश में क्यों रखा है? हैं? भारत भगवान, भारत में भगवान आता है, भारतवासियों को हीरे समान बनाता है, तो हीरा विदेशियों के कब्जे में क्यों है? विदेशी उसका मूल जानते हैं। हाँ, जो विदेशी है वो ही उसके मूल्य को जानते हैं। और बाप दादा भी क्या बोलते? बाप की प्रत्यक्षता विदेशों से होगी, विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। इसका मतलब भारत के कुंभकर्ण हीरे की वैल्यू को पहचान ही नहीं पाते। किसके द्वारा पहचानते हैं? विदेशी बुद्धि में तीखे होते हैं। बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान भारत में आते हैं और भारत के लोग पहचान नहीं पाते हैं। विदेशी लोग पहचानते हैं, ये क्या बात हुई? ऐसा क्यों? अरे कोई कारण होगा कि नहीं? क्यों होते हैं? उन्होंने हीरे को ज्यादा चाहता है क्या? हैं? अब बुद्धि से तीखे क्यों होते हैं जो भगवान बाप को पहचान लेते हैं पहले? हाँ, क्योंकि वो फिर भी भारतवासियों के मुकाबले कम तमो प्रधान बनते हैं। बाद में आने वाली आत्माएं हैं इसलिए तामसी कम है, उनमें फिर भी सात्विकता जास्ती है।
बाबा भी कहते हैं क्रिश्चियंस न ज्यादा सतो प्रधान बनते हैं और न ज्यादा तमो प्रधान बनते हैं। भारतवासी इतने तमो प्रधान बन गए हैं कि बाप को पहचान ही नहीं पाते। कौन से बाप को पहचानना है, है? साकार में आया वो निराकार में। ऐसे नहीं कि निराकार को पहचाना जाता है, निराकार ज्योति बिंदु को पहचानने की बात है, क्योंकि बिंदु बिंदु तो सब आत्मा है। कीट पशु पक्षे पतंगे सब आत्माएं ही हैं। आत्मा को पहचान कब होती है, जब शरीर हो तो आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु, वो भी जब तक शरीर धारण न करे और इस सृष्टि में आकर के प्रैक्टिकल पार्ट न बजावे तब तक उसको भी कोई पहचान नहीं सकता। कोई कहे ज्ञान की आंख से पहचान लेंगे, अरे ज्ञान की भी आंख मिल जाए तो बिंदी बिंदी तो सब एक जैसी किसको पहचानेंगे। बिंदी बिंदी आत्माएं फुदक फुदक के अपना अपना पार्ट बजाने लगे तो पहचान हो जाएगी क्या? नहीं, वो बिंदी आत्मा जब तक पार्टिकुलर शरीर धारण न करे। कोई कहते हैं सर्वव्यापी हो जाए, अरे सर्वव्यापी तो होता ही नहीं है, वो तो इस सृष्टि पर एक व्यापी होकर के प्रत्यक्ष होता है और एक व्यापी ही रहता है, वो सर्वव्यापी नहीं होता। अगर सर्वव्यापी हो तो सर्व को याद करने से सदगति हो जानी चाहिए, सर्व को याद करते करते दुर्गति हुई या सदगति हुई, हिस्ट्री क्या कहती है, दुर्गति हुई। तो बाप कहते हैं दोनों बेहद के बाप को पहचानने की बात है। सुप्रीम सोल बाप जब तक साकार मुकर रथ में प्रत्यक्ष न हो बे तब तक कोई पहचान भी नहीं सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। साकार के द्वारा निराकार को पहचाना जाता और निराकार आकर के जो ज्ञान सुनाता है उस ज्ञान से साकार को पहचाना जा सकता है। तो जो ऊंचे थे ऊंच पाटधारी हीरा है, हीरो पाटधारी है, उस अमोलक हीरे का गायन है, सारी दुनिया उसको जानती है। कब होता है अमोलक और कब उसका मूल्य कम हो जाता है, है? संगम में है अमोलक, जब सारी दुनिया बाप को पहचानती है, और कलयुग में हो जाती है उसकी कीमत कम हो जाती है। नहीं पहचानते हैं तब तो भारतवासी विदेशियों के अंडर में रख देते हैं। अगर मूल्य को पहचाने तो दूसरों के कब्जे में क्यों रखेंगे, रखेंगे क्या? इसलिए बाप को भी अभी कहना पड़ता है क्या कि बाप विदेशी बन करके आए हुए हैं। ये क्या बात है?
विदेशी बनकर के आए हुए हैं? स्वदेशी बनकर के क्यों नहीं आए है? क्योंकि स्वदेशी बनकर के आवे तो विदेशी तो पहचान ही नहीं सकेंगे। किसी आदमी की पहचान कब होती है? कोई हमको सुना दे कि वो आदमी बहुत अच्छा है, दूसरा सुना दे वो आदमी बहुत खराब है, ऐसा होता है कि नहीं? एक आदमी एक को बहुत अच्छा लगता है और दूसरे को बहुत खराब लगता है, तो आखिर सच्चाई क्या है ये कैसे पता चले है? हाँ, जब संसर्ग संपर्क में संबंध में आवेंगे तब ही पता चलता है, अनुभव में आता है कौन श्रेष्ठ है और कौन निष्कृष्ट है। तो भगवान बाप भी इस दुनिया में आते हैं तो सब बच्चों को खुला निमंत्रण देते हैं इस बात का कि बच्चे आकर के मेरे से मिले, चाहे जिस रूप में मिले, जिस संबंध में मिले, संपर्क में आकर के मिले या संबंध में आकर के मिले। संपर्क हल्का होता है और संबंध गहरा होता है, तो विदेशी बनकर के क्यों आते हैं है? भारतवासियों से मिलने के लिए स्वदेशी होना अच्छा या विदेशी होना अच्छा है? स्वदेशी होना अच्छा, लेकिन भारतवासियों की जो आज की स्टेज है, स्थिति है, वो विदेशियों से प्रभावित होने वाले हैं या स्वदेशियों से प्रभावित होने वाले? भारतवासियों में जो बुद्धिमानों का तबका है वो विदेश में जा रहा है, वह स्वदेश में टिकना पसंद करता है, सब विदेश में जा रहे हैं, तो बाप को भी विदेशी बनकर के आना पड़ता है। बाप जानते हैं अगर विदेशी बनकर के नहीं आऊंगा तो जो ढेर की ढेर विदेशी या विदेशियों से प्रभावित होने वाली आत्माएं हैं वो तो पहचान ही नहीं सकेंगी, क्योंकि संपर्क संसर्ग संबंध में आने से ही गहरी पहचान होती है। इसलिए बोला कि हीरे का मोल तुम पहले पहले ज्यादा जानते हो और कलयुग अंत में आकर हीरे का मोल कम हो जाता है। जवाहर से कम सोना, सोने से कम चांदी, चांदी से कम तांबा और तांबे से कम लोहे की कीमत होती है। तुम वह बात भी लिख सकते हो, जैसा युग होगा उस युग के अनुसार वैसी ही आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के जन्म लेती है। पुरुषोत्तम संगम युग है बर्थ डायमंड, क्या युग ही कैसा है,
बर्थ डायमंड और सतयुग है बर्थ गोल्ड। सतयुग जन्म से ही है गोल्ड और पुरुषोत्तम संगम युग जन्म से ही है डायमंड। तो कब से है? है 36 से कहे बर्थ डायमंड या 76 से कहे बर्थ डायमंड? जरूर कहेंगे जब से उस हीरो पाटधारी हीरे की पहचान होती है तब से लेकर है संगम युग बर्थ डायमंड। त्रेता है बर्थ सिल्वर। कब कहेंगे? संगम युग में कब कहेंगे बर्थ सिल्वर? इक्कीस क्यों? एट्टी एट को क्यों कहेंगे? थर्टी सिक्स को क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि शूटिंग का हिसाब है ना, कोई भी ड्रामा होता है तो उसकी रिहर्सल होती है, शूटिंग होती है, रिकॉर्डिंग होती है। जैसी रिकॉर्डिंग और शूटिंग होती है वैसा ही ब्रॉड ड्रामा भी होता है। तो 88 में कैसे कहेंगे कि बर्थ सिल्वर है? कोई हिसाब होगा कि नहीं? छिहत्तर 77 से 88 तक। अच्छा अभी तो कहा सन 76 से है बर्थ डायमंड। तो बर्थ डायमंड होते ही सिल्वर हो गया है? कभी कभी ऐसा होता है क्या कि बच्चा जन्म ले ले, न माँ को पता चले न बाप को पता चले। माँ को तो अक्सर करके पता नहीं चलता है, जो माँ बेहोश हो जाती है। बाप को भी पता न चले तो बर्थ डायमंड नहीं कहेंगे क्या है? अरे बच्चे का जन्म तो हो गया, बल कचड़े में गिर गया हो, बल किसी ने न पहचाना हो, ये तो बेहद का जन्म है ना कि हद का जन्म है? बेहद का जन्म है तो वो जन्म कब से हुआ वो नहीं माना जाएगा है, जब किसी ने पहचाना ही नहीं तो कैसे माना जाएगा? अरे चक्कर में क्यों पड़ जाते? अच्छा उस समय नहीं जाना जाता है, बाद में तो पता चलता है कि ये बच्चा 5 साल का है 10 साल का है, तो वो 10 साल घटाए नहीं जाएंगे है? तो जो पुरुषोत्तम संगम युग है वो वास्तव में बर्थ डायमंड कब से कहा जाए? जब से पहचाना शुरू हो जाए। अच्छा अभी अभी बताया बच्चा पैदा हुआ, न माँ ने पहचाना, न बाप ने पहचाना, न घर वालों ने पहचाना,
और कचड़े में चला गया, किसी तरह जीवित रहा, कोई ने पाल लिया। तो उसकी आयु जब बड़ा हो जाता है तो घटाई नहीं जाती है, है? जब वो आयु घटाई जाएगी, बुद्धिमान तो बुद्धि लड़ाएगा ना, तो घटाई हुई आयु के मुआफिक वो बर्थ डायमंड कब से कहा जाए? 36 से कहा जाए। हाँ, पहचाना नहीं, जब जागे तब भोर। क्या? जब जागृति हो जाए तभी कहेंगे कि सवेरा हुआ, और वही शूटिंग का हिसाब है। क्या? हर आत्मा जब निश्चय बुद्धि होती है, अथवा जब कहें कि ज्ञान में आती है, ज्ञान माना पहचान, तब कहेंगे कि जैसे जन्म हुआ। तो त्रेता को कहेंगे बर्थ सिल्वर, माना सन 36 में बर्थ सिल्वर नहीं है। कब है बर्थ सिल्वर? शूटिंग के हिसाब से है 88-89 में तो सिल्वर एज है, शूटिंग के हिसाब से खत्म हो जाती है या शुरू होती है? 77 है संपूर्णता वर्ष, और 87 को कहेंगे त्रेतायु की शूटिंग पूरी हुई। इसलिए बताया कि ज्ञान भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रजो, और अंत में तमो होता जाता है। क्यों? है? ज्ञान में तो ऊंचा चढ़ना होना चाहिए या नीचे गिरना होना चाहिए? अरे ज्ञान से चढ़ती कला होनी चाहिए या गिरती कला होनी चाहिए? फिर है? है? शूटिंग पीरियड के हिसाब से, हाँ, शूटिंग के पीरियड के हिसाब से चढ़ती कला की जगह उतरती कला क्यों होनी चाहिए? ज्ञान तो अपनी जगह निश्चित है, परंतु जो लेने वाले हैं और लेने वालों का जो वाइब्रेशन बनता है संगठित, वायुमंडल संगठित रूप से क्रिएट होता है, वो तमोप्रधान बनता जाता है या सतोप्रधान बनता जाता है? क्यों? एक से नहीं सुनते, क्योंकि संख्या बढ़ती जाती है। दुनिया की भी जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है, दुनिया का वायुमंडल तमोप्रधान होता जाता है, सतोप्रधान सा से तमोप्रधानता की ओर जाता है या ऊंचा चढ़ता है, नीचे ही गिरता है। इस हिसाब से कहा कि दुनिया की हर चीज पहले सतोप्रधान, बाद में तमोप्रधान बनती है। तो ये बातें भी समझा सकते हो, ये संगम युग ही है जब हम मनुष्य से देवता बनते हैं। क्या और कोई युग में नीचे से ऊपर चढ़ना हो ही नहीं सकता? पुरुषोत्तम संगम युग ही है जिसमें हम नीचे से ऊपर चढ़ करके पुरुषोत्तम बनते हैं। नंबर बार 8 रतन गाए जाते हैं ना, वो एक से एक कम वैल्यू वाले हैं। नंबर बार या बराबर वैल्यू वाले हैं? नंबर वार कम वैल्यू वाले हैं।
परंतु अपनी जाति के संगठन के बीच में सब हीरो पाटदारी है। तो डायमंड को बीच में रखा जाता है और रत्नों को आजू बाजू में रखा जाता है। हीरे का शो होता है, हीरे का शो कब होता है? जो सबते श्रेष्ठ से श्रेष्ठ युग है पुरुषोत्तम संगम युग, उसमें हीरा संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है और कोई दूसरे युग में हीरा प्रत्यक्ष नहीं होता है। और दूसरे दूसरे युगों में दूसरे धर्म की आत्माएं प्रत्यक्ष हो सकती हैं हीरो पाटदारी के रूप में। जैसे द्वापर का हीरो कौन? इब्राहिम। फिर 500 वर्ष के बाद हीरो कौन है? फिर कहेंगे इब्राहिम को हीरो कहेंगे? फिर नहीं कहेंगे। इब्राहिम में वो उतनी ताकत नहीं रहती, क्योंकि वो भी इस शक्ति पर आने से सतोप्रधान सा से नीचे तमोप्रधानता की ओर जाता है। तो 250 वर्ष के बाद कहेंगे महात्मा बुद्ध को, और 500 वर्ष के बाद कहेंगे क्राइस्ट को हीरो। ऐसा सारी सृष्टि में वो हीरो पाटधारी हो जाता है, और जो असली हीरो है वो और ही गुप्त होता जाता है। ज्यादा धूल कौन से युग में आकर जमेगी? कलयुग अंत में आकर के जो मोस्ट वैल्यूबल हीरा है उस पर जास्ती धूल जम जाती है, और आत्माएं रोशनी में आ जाती है, संसार की प्रत्यक्षता में आ जाती है। तो कहेंगे संगम युग ही हीरे जैसा जन्म है, क्योंकि संगम में असली की प्रत्यक्षता होती है और युगों में असली की प्रत्यक्षता नहीं होती है। तो हीरे का मान इस पुरुषोत्तम संगम युग पर है। योग आदि जो सिखलाते हैं, जिसको स्पिरिचुअल योग कहते हैं, परंतु जो सिखलाने वाले हैं वो स्पिरिचुअल टीचर हैं क्या है? जो भी सिखलाने वाले होते हैं या 2500 वर्ष की हिस्ट्री में सिखलाने वाले हुए हैं, राग राजयोग आदि सिखलाते हैं, वो स्पिरिचुअल टीचर हैं या देह अभिमानी है? सब देह अभिमानी। तो सिखलाने वाले ही देह अभिमानी है तो स्पिरिचुअल ज्ञान कैसे सिखलावेंगे? स्पिरिचुअल नॉलेज तो स्पिरिचुअल टीचर ही सिखला सकता है। स्प्रिट आत्मा को कहा जाता है, आत्माएं नंबर वार पाटधारी है। तो आत्माओं में जो सुप्रीम आत्मा है वो ही सुप्रीम टीचर है। वो सुप्रीम टीचर ही जब तक इस सृष्टि पर ना आवे तब तक कोई स्पिरिचुअल नॉलेज कैसे देगा? माना जो भी योग आदि सिखाने वाले हुए हैं हिस्ट्री में, मानवीय 2500 वर्ष की हिस्ट्री में, उनमें कोई भी मनुष्य मात्र गुरु स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाला नहीं हुआ। स्पिरिचुअल नॉलेज तो सिर्फ सुप्रीम बाप ही जब सुप्रीम टीचर बनते हैं
सब स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, उसको कहेंगे रूहानी फादर, रूहों का बाप है क्या? जो भी देह धारण करने वाली आत्माएं हैं मनुष्य मात्र की, उन देह धारण करने वाली आत्माओं को स्पिरिचुअल फादर नहीं कह सकते। सारी मनुष्य सृष्टि का जो भी बाप है सर्वोपरि है मनुष्य सृष्टि में, मनुष्य सृष्टि का बीज है, उसको भी स्पिरिचुअल फादर नहीं कह सकते। कब तक? जब तक सुप्रीम सोल बाप जो आत्माओं का बाप है वो उसमें प्रवेश न करे। फादर और रूहानी नॉलेज ये संगम पर ही मिलती है, चाहे वो वेद का रूहानी बाप हो और चाहे वो मनुष्य सृष्टि का वेद का जिस्मानी बाप हो, परंतु नॉलेज कब मिलती है? जब संगम पर दोनों ही बेहद के बाप का संगम हो, रूहानी बाप जिस्मानी बाप में आए मुकर्रर रूप से पार्ट बजाते हैं। किस रूप में है? नहीं, बाप के रूप में जब पार्ट बजाते हैं, शुरू करते हैं पार्ट बजाना, तो पहचान नहीं होती। जब सुप्रीम बाप सुप्रीम टीचर के रूप में पार्ट बजाते हैं, कब से है? 76 से। अच्छा, ब्रह्मा द्वारा सुप्रीम टीचर नहीं कहे है? माँ के द्वारा जन्म मिलता है, पालना मिलती है, लेकिन हायर नॉलेज माँ नहीं दे सकती। मनुष्य जो है वो सब बड़े बड़े बंदर हैं। मनुष्य जो भी है, मनुष्य किसको कहा जाता है? जिसका मन चलता हो। बंदर क्या करता है? कभी आंख स्थिर नहीं होगी। जब आंख स्थिर नहीं होगी, जो इंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ है अंग, इससे क्या साबित होता है? कि मन भी उसका स्थिर नहीं है। तो मनुष्य जो भी है सब बंदर है। वो इतना जल्दी नहीं समझेंगे। क्या कहा? मनुष्यों से भी ऊंच कौन है? देवताएं, जो सतयुग त्रेता में या द्वापर कलयुग में भले सृष्टि रूपी रंगमंच पर उतरते हैं, परंतु देवता धर्म के हैं असली। कितने हैं? 33 करोड़। उनकी ये शिफ्ट बताई, उन देवता धर्म वालों की ये पहचान बताई। क्या है? अरे अभी तो बताई, वो देवता धर्म की आत्माएं देव आत्माएं हैं या मनुष्य हैं या राक्षस हैं? वो देव आत्माएं हैं, देवता कुल की हैं। उनकी पहचान क्या बताई? हाँ, नहीं स्थिर बुद्धि होगी, ये नहीं। स्थिर बुद्धि शुरुआत में कोई नहीं होता, सब बंदर होते हैं। राम वाली आत्मा बंदरों में सबसे बड़ा बंदर होगी। कोई गलत बात है क्या? नहीं। लेकिन पहचान क्या बताई? कि देवता धर्म वाले की क्या पहचान होगी? नहीं,
हाँ, बाप की पहचान की क्या विशेषता होगी? झट पहचानेगा। औरों को पहचानने में टाइम लगेगा। अगर दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाला होगा तो और भी टाइम लगेगा। लेकिन अगर देवी देवता सनातन धर्म का ही है तो उसको पहचानने में टाइम नहीं लेगा, झट से पहचानेगा। गरीब आदि को समझाया जाता है उस दुनिया के जो बंदर हैं वो तो गुरुर गुरुर करते हैं, तो तुमको छांटना पड़ेगा, क्योंकि बंदर भी किस्म किस्म के होते हैं, एक जैसे बंदर नहीं होते, छांटना पड़े। कहां लिखा हुआ है? देखना पड़े। तुम कहेंगे फलाने वेद में ऐसा है, कोई पूछे ये बात कहां लिखी हुई है तो क्या बताएंगे? वो तो मिसाल देंगे। तुम क्या कहेंगे? तुम कहेंगे फलाने वेद में ऐसा है, क्योंकि रामायण महाभारत पुराणों आदि है, उपनिषदों की जो भी नॉलेज निकली है वो कहां से निकली है? वेदों से निकली है। और वेदों के लिए समझते हैं ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। तुम भी कहेंगे फलाने वेद में ऐसा लिखा हुआ है तो समझेंगे शायद ये बहुत वेद शास्त्र पढ़ा हुआ है। तो ये लिखना है संगम युग इज डायमंड और उसकी आयु इतनी है। कितनी है? 100 साल। क्यों 40 साल घटाएंगे नहीं है? डायमंड युग की आयु 100 साल में से 40 साल नहीं घटाएंगे है? समझने समझाने के हिसाब से कहें तो घटानी पड़े, क्योंकि पढ़ाई पढ़ने में कितना टाइम लगता है? 50-60 साल लगते हैं पूरी पढ़ाई पढ़ाने में। अब से कब तक है? 36 से पढ़ाई शुरू होती है, 76 से असली पढ़ाई शुरू होती है, जब आत्मा को अपनी पहचान मिलती है और अपने बाप की पहचान मिलती है। बाकी तो कहेंगे शैशवावस्था, शिशु होता है वो पढ़ाई थोड़ी पड़ता है, उसको स्पेशल पढ़ाया जाता है क्या? सतयुग गोल्डन एज, उनकी आयु इतनी शास्त्रों में भी स्वास्तिका निकालते हैं, यादगार है। चार अवस्थाएं दिखाई हैं स्वास्तिका में, 2 अवस्थाएं हैं ऊंची स्टेज की निशानी है और 2 अवस्थाएं नीचे गिरती कला की निशानी है। आधा दिन और आधा रात। तुम बच्चों को ये भी याद रहे तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। स्टूडेंट को खुशी होती है ना, तो कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। ये तो बहुत सोर्स ऑफ इनकम है क्या? जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें भी जो स्पिरिचुअल स्टूडेंट लाइफ है वो तो है
बहुत सोर्स ऑफ इनकम, उनसे देवता बनने की पाठशाला है। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, क्या कोई मनुष्य तो हुए नहीं है इस सृष्टि पर, चाहे हिटलर हुआ हो, नेपोलियन हुआ हो, कोई भी हुआ हो बड़े ते बड़ा, परंतु कोई विश्व का मालिक तो मनुष्य तो नहीं बन सका। ये भी तुमको मालूम हुआ है तो अथाह खुशी होनी चाहिए। इसलिए गायन है अति इंद्रिय सुख गोप 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 गोपियों से पूछो, टीचर अंत तक पढ़ाते हैं तो उनको अंत तक याद करना पड़ेगा। क्या जब तक जीना है तब तक पीना है, भगवान पढ़ाते हैं और फिर भगवान साथ ले जाएंगे, पुकारते भी हैं लिबरेटर गाइड, दुख से छुड़ाई देते हैं। सत्युग में दुख होता ही नहीं है, कहते हैं विश्व में शांति हो जाए। बोलो तो विश्व में शांति कब आगे हिस्ट्री में थी? अरे हिस्ट्री कितने टाइम की मिल रही है, 2000 साल की हिस्ट्री मिल रही है, उसमें सारे विश्व में कभी शांति थी? तब तुम क्यों कहते हो कि विश्व में शांति हो, जब थी ही नहीं तो कैसे हो जाएगी? फिर सारी दुनिया ये शांति शांति क्यों चिल्लाती है? इसमें शांति शांति करने की ये संस्कार कहां से आ गए जो शांति चाहते हैं? है? अरे रसगुल्ला खाने के जिसमें संस्कार होंगे वो ही तो रसगुल्ला मांगेगा। तो जरूर साबित होता है कभी विश्व में शांति थी और आत्माओं ने शांति का अनुभव किया है। सत्युग में दुख होता ही नहीं है। बोलो उस समय कौन सा युग था जब सारी दुनिया में शांति हुई थी? इसको भी पता नहीं है। राम राज्य सतयुग, रावण राज्य कलयुग, ये तो तुम ही जानते हो। अभी तुम रावण संप्रदाय हो ना, हेलो हमको भी कह दिया है? क्या बोला? अभी अभी माने कभी? हाँ 68 की बात बताई जब बाबा बच्चों को इमर्ज करके सामने रख करके बोलते थे। क्या बोला? अभी तुम किसके संप्रदाय हो? रावण की प्रजा हो। कोई आर्गी करे तो तुम कह सकते हो, क्या क्या कह सकते हो कि हम भी रावण के राज्य में रावण संप्रदाय बन पड़ते हैं? माने अपन को कभी ऊंच साबित नहीं करना चाहिए, बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए। बस क्या सुनाऊं दिल की बात, बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने वाला मिला और अभी क्या अनुभव सुनाऊं, और कोई बात ही नहीं है। इन जैसी खुशी और कोई होती नहीं है, है? सबसे बड़ी खुशी कौन सी होनी चाहिए? है? बाप मिला माना सब कुछ मिला। कोई भी हालत में कब रूठ करके घर में नहीं बैठ जाओ, काए काए ऐसे बोला बैठ जाते हैं? अरे कोई धुनाई पिटाई अच्छी तरह से कर दे, बेहोश कर दे तो घर में नहीं बैठ जाना चाहिए? हैं? कोई भी हालात में कोई भी सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो, स्थिति परिस्थिति आवे तो भी बाप की याद भूलनी नहीं चाहिए। ये बुद्धि में ना आए कि बाप हमको नहीं मिला है। ये क्या बात है? धरत परिये पर धर्म न छोड़िए।
पढ़ाई से रूठेंगे तो क्या सीखेंगे? बाप को तो पढ़ाना ही है ब्रह्मा द्वारा, कब तक पढ़ावेंगे? है ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक अनुधा हुआ है, तो एक दो से कब उठना नहीं चाहिए? ये क्या है? अभी तक बाप से नहीं उठना चाहिए, ये तो चलो कर लेंगे कुट पिट के, लेकिन एक दो से भी कब नहीं उठना चाहिए? ये तो बड़ी मुश्किल बात कह दी। हाँ, जब बाप है तो बाप का परिवार भी जरूर है, इसलिए निश्चय बुद्धि चाहिए अपने पार्ट पर, निश्चय बुद्धि बाप के ऊपर, निश्चय बुद्धि और ब्राह्मण परिवार पर भी निश्चय बुद्धि। ये तो माया है, मायावी रूप धारण करने वाले इन असुर और असुरनियों के विघ्न पड़ते हैं। क्या विघ्न डालने वाले तो सामने आते हैं ना, निश्चय उखाड़ने के लिए। मनुष्यों को तो न भगवान कहा जा सकता है न देवता कहा जा सकता है, जिसका मन चलायमान है, मन काम कर रहा है, इच्छा मात्र अविद्या की स्टेज नहीं हुई है, तो उसको क्या कहेंगे? मनुष्य। मनुष्य तो मनुष्य ही है, न उसको देवता कहेंगे, राक्षस तो कह सकते हैं। ओम शांति।